जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो पेपर है, 10वीं का, 10th का जो पेपर है 2022 में, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे तो वह आपके लिए यहाँ पर बताएंगे। ये यूपी बोर्ड का ये पेपर है, आप देख सकते हैं 2022 का ये ओल्ड पेपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए बता दें, इसमें आपका जो है 3 घंटा 15 मिनट आपके लिए दे रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारंभ के 15 मिनट में जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, बाकी 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचानना था। तो यहाँ पर देखिएगा, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, आवारा मसीहा एक उपन्यास है, महादेव वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, या हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन और यहाँ पर पूछे गए थे, यहाँ पर देखिए, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। यहाँ पर इस प्रकार जो है पूछा गया था, कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है ये पूछा गया था। तो आपके लिए तो पता होगा, अमृत राय की रचना मानी जाती है, प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित रचना है। अमृत राय जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, उन्होंने इस रचना को लिखा था। किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइएगा। इनमें से आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन, या फिर इनमें से आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, क्या भूलों के याद करूँ, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो 4 भागों में उनकी रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय ये दिनकर की रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है तो दिन से दिनकर, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम बताइए तो धर्मवीर भारती माने जाते हैं, सूरज का 7वां घोड़ा धर्म करता है, उसने कहा था किस विधा की रचना है ये पूछा गया था, रीतिबद्ध काव्यधारा किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, छायावाद की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है, प्रिय प्रभास की रचनाकार कौन है, हरिओद जी माने जाते हैं। फिर आगे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। ये गद्यांश दिया गया था, इसमें आपके उत्तर दिए थे, अथवा में भी एक गद्यांश था, इसके भी आपके लिए यहाँ पर गद्यांश में से उत्तर चयन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना था, ये जो है पद्यांश दिया गया था, शीर्ष जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरिची सी भौहें ये दिया गया था। इसके अथवा में एक और दिया गया था, क्या दिया गया था, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना था एवं उनकी किसी एक रचना का नाम बताना, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, आचार्य शुक्ल जी थे। आगे इसी में दूसरा पूछा गया था कि निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय और उनकी किसी एक रचना का नाम, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, ये 3 दिए गए थे, इनमें से आपको चयन करना था। आगे फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना, हिंदी में अनुवाद करना था इसका, फिर ये भी अथवा में दिया गया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। फिर पूछा गया कि 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देना था, ये 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी में फिर 8वां क्वेश्चन करुण रस का तथा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है, परिभाषा उपमालंकार रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है, छंद अथवा सोटा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए, इनके मेल से एक एक शब्द बनाना था, किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना था। यहाँ पर इसी में आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए, समास का नाम बताना था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची बताना था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना था। यहाँ पर इस प्रकार पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 पूछा गया था, किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताना था, तो ये दिए गए थे, इनके 2 में से करना था। इसी में एक बार दिया था कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी व्यक्ति एवं बहुवचन का रूप बताना था, मधु अथवा नदी, फल अथवा मति, इनमें से।
इसी में तीसरा पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना था। अपटाम, हसत, पठता और सही हसीत इसमें बताना था। फिर आगे इसी में और क्या पूछा गया था, निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। राम घर जाता है, विद्या विनय देती है, ये जो है वाक्य दिए गए थे जिनका संस्कृत में अनुवाद करना था। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय कवि। फिर यहाँ पर पूछा था, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का किसी एक का उत्तर दीजिएगा। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुक्तिदूत के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखना था। फिर यहाँ पर उसी में दिया गया था, अग्रजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक की चारित्रिक विशेषताओं का आकलन कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य की किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तीसरा में पूछा गया था कि ज्योति जवाहर खंड काव्य की संक्षेप में व्याख्या। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 में उसी में 4 में पूछा गया था कि मेवाड़ मुकुट के नायक का चरित्र चित्रण। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके चौथे सर्ग का कथानायक संक्षेप में लिखना था। उसी में क्वेश्चन आगे इसी में पूछा गया था कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य का प्रथम सर्ग कथानक संक्षेप में लिखिए, ये पूछा गया था। इसी में और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। और इसी में जो है महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए थे। तो ये पेपर था आपका, ओल्ड पेपर था जो 2022 में आपके इस प्रकार जो है यूपी बोर्ड का पेपर आया था। तो जो है आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आए जाते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।